हेलो एवरीवन, जहां से छोड़ा वहीं से फिर से स्टार्ट। पिछले वीडियो में हमने इस क्वेश्चन का सलूशन नहीं किया था, इसमें करने जा रहे हैं अब। ठीक, कंटिन्यू करिए, समझिए। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, पिछले वीडियो में भी पूरा पढ़ लिया था। आपके पास एक बैग है, ऐसे बैग रहा होगा। उस बैग के अंदर 2n+1 कॉइन है। इन कॉइन क्वालिटी क्या है, इसमें एन कॉइन कैसे हैं? एन कॉइन जो है वो अनफेयर है और n+1 कॉइन फेयर है। ये फेयर है और ये अनफेयर है। फेयर मतलब समझते हैं अच्छे हैं, और ये अनफेयर। थोड़ा बड़ा बनाया, अच्छा नहीं लग रहा है ना, छोटा कुछ कुछ कर दिया आपने सर, मजा नहीं आ रही। बैग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हमारे पास जो कॉइन है वो 2n+1 कॉइन है। उन कॉइन में एन कॉइन अनफेयर, अनफेयर मतलब बायस्ड, और ये फेयर कॉइन है। कितने बाकी रिमेनिंग है? n+1 आर फेयर कॉइन। इट्स ओके सर। ठीक, बैग में क्या है, दो तरह के कॉइन है। एन कॉइन टू साइडेड हेड है, इसके इसके दोनों साइड में टू साइडेड हेड और इट इज फेयर, और n+1 कॉइन्स आर फेयर। इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो रहा है, हो क्या रहा, पढ़िए आगे। ए कॉइन इज पिक्ड अप फ्रॉम ए बैग, बैग से एक कॉइन ऐसे हमने निकाला, छटपट से ऐसे हाथ डाला, ऐसे निकाल लिया और उसको टॉस कर दिया। देखा नहीं क्या है, उठाया, टॉस मार दिया, सट टॉस्ड। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉस रिजल्ट इज हेड, और जो रिजल्ट आया टॉस का वो हेड आया, वो उसकी वैल्यू हमने आपको दे दी इतनी। तो कह रहे भैया एन की वैल्यू बता दो कितनी, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन। इन्होंने डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन पूछा है, हो सकता पूछ सकते थे हाउ मेनी कॉइंस इन द बैग, तो एन की वैल्यू 2n+1 में रख के कॉइन नंबर ऑफ कॉइन बता दे, तो उसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। वो कहानी बात का विषय है। एक मिनट है ना, वो बात का विषय है, तो देख लेंगे जैसा क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे काम करते हैं। आइए सर, तो इवेंट मानी जाए भैया, हमने एक इवेंट मानी B1। B1 क्या है, टू साइडेड हेड कॉइन सेलेक्टेड। B2 क्या है, ए फेयर कॉइन सेलेक्टेड। लैंग्वेज लिख लेना। और ई क्या है, इवेंट है किस चीज की, गेटिंग हेड। ई क्या है, इवेंट है गेटिंग ए हेड, क्या चीज, गेटिंग ए हेड। ठीक, तो हमारे हिसाब से जरा होने देखिए क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यानी ई, दो केस बनेंगे, अनफेयर कॉइन सेलेक्ट हो और हेड आए, या फिर फेयर कॉइन सेलेक्ट हो और हेड आए। अनफेयर कॉइन सेलेक्ट हो और हेड आए, या फिर फेयर कॉइन सेलेक्ट हो और हेड आए। अनफेयर कॉइन सेलेक्ट किया और टॉस किया और हेड आ गया, या फिर फेयर कॉइन सेलेक्ट किया और टॉस किया और हेड आ गया। ये मतलब हुआ, इसकी वैल्यू हमको दे दी कितनी, 31/42 ही है। ठीक, कोई बात नहीं, सही है। अब आइए सर, टू साइडेड हेड, कितने कॉइन में टू साइडेड हेड है सर? एन कॉइन में टू साइडेड हेड है। टोटल कॉइन कितने, 2n+1 है, तो टू साइडेड हेड के की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, n/2n+1 × अब उन कॉइन के दोनों साइड में हेड है, दोनों साइड में हेड है, तो टोटल केस कितने बने, टोटल केस कितने बने, दो। एनएस की वैल्यू दो, और दोनों क्या है, हेड है, तो एनी की वैल्यू भी कितनी, दो, तो 2/2। अनफेयर कॉइन की में, अनफेयर कॉइन जिसके दोनों साइड में हेड है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/2 होगी। 2/2 क्यों भाई, सैंपल स्पेस बनाओगे तो ये बनेगा हेड हेड, हेड हेड का सैंपल स्पेस बना, तो एनएस की वैल्यू कितनी होगी, दो। और जब आप इवेंट निकाल लो हेड हेड, तो दोनों हेड में भी चले जाएंगे, तो एनी की वैल्यू भी वही हो गई। फिर दूसरा फेयर पॉइंट, फेयर पॉइंट कितने, टोटल n+1 है, और टोटल कितने हैं, 2n+1 है, और फेयर पॉइंट में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी। बचपन में पढ़ी काम खत्म। देख लो, चेक कर लो, ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई कितनी आ गई, 31/42 = कट गया ना, तो n/2n+1 ये रहा, और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, n+1/2 × 2n+1। बहुत बढ़िया, एलसीएम लेना पड़ेगा, ले लीजिए, कितना एलसीएम आएगा, 2 × 2n+1
इससे डिवाइड मारे टू बचेगा, टू का ऊपर बना तो टू एन हो गया, इसका डिवाइड मारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एन प्लस वन हो जाएगा बराबर कितने के 31 बटे 42 के। जोड़ा जड़ी कर ले भैया, 3n प्लस 1 यहाँ इधर लिख रहे हैं, 31 बटे 42 बराबर 3n प्लस 1 अपॉन नीचे 2 का गुणा कर देंगे 4n प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, कटे कटे को कुछ है नहीं, 31 गुणे 4 31 गुणे 62 4 3 12 124 एन प्लस 31 गुणा 62 बराबर 42 4 3 6 और 3 4 12 एन प्लस 42। बोलो चेक करो गलती से सही हो बताओ, ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा 2n बचेगा और ये इधर आएगा तो 20 बचेगा, तो n बराबर कितना आ गया 10, इनकी वैल्यू आ गई 10, यानी 10 क्वाइन है भैया, इनकी वैल्यू कितनी आ गई 10 कैलकुलेशन करके। अब अगर ये पूछते कि हाउ मेनी क्वाइंस इन द बैग, तो ये n की वैल्यू उठा करके यहाँ रख देते तो नंबर ऑफ क्वाइन पता चल जाते कि साहब 21 क्वाइन थे बैग में, जिसमें 10 कैसे थे अनफेयर थे और 11 कैसे थे फेयर क्वाइन थे। तो जैसा क्वेश्चन पूछे हो, नंबर ऑफ फेयर कॉइन, नंबर ऑफ अनफेयर कॉइन या टोटल नंबर ऑफ कॉइन, जो भी आप पूछे आप उसका आंसर बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ गए ना? समझ गए सर, आंसर हो गया। अच्छा सवाल था सर। हाँ सवाल तो बहुत अच्छा था, सवाल तो बहुत अच्छा था। चलो अगला बढ़ते हैं, आगे की तरफ और बढ़ा जाए। धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। हाँ ज्यादा बदमाशी करो तो गड्ढा खोदो। बस आगे समझदार करें ए क्लास, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट 60 स्टूडेंट हैं, 40 आर बॉयज एंड रेस्ट ऑफ गर्ल्स, 40 आर बॉयज and rest of girl, rest of girl, it is known that the probability of a girl getting in first class, in फर्स्ट क्लास, गेटिंग इन फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास मतलब रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट क्लास पास हो गई, फर्स्ट क्लास इज 0.33 एंड दैट ऑफ द बॉय गेटिंग फर्स्ट क्लास, एंड दैट द बॉय गेटिंग फर्स्ट क्लास, और लड़कों की फर्स्ट क्लास आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.27 है। अच्छी बात, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट इज सेलेक्टेड, ए स्टूडेंट इज सेलेक्टेड, सेलेक्टेड एट्रेंडम, वो तो पहली बात है एट्रेंडम ही होगा भैया, एट्रेंडम, एट्रेंडम will get first class mark, क्या लिखा है, find out the probability that the student, the student has chosen, क्या लिखा है, student is selected at random will get first class mark in the subset, at random will get first class, मतलब first class आई है, स्टूडेंट सेलेक्ट किया और वो फर्स्ट क्लास पास हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई। तो भैया क्लास में दो तरह की वैरायटी है, एक लड़का लड़की है, तो टोटल कितने 60 लोग हैं, उसमें से 40 बॉय हैं और रेस्ट ऑफ गर्ल है, गर्ल 20 गर्ल है, ठीक है, दो वैरायटी होगी। एक बच्चा सेलेक्ट किया जा रहा है, यानी ये बच्चा है तो बालक हो गया, बालिका हो गई, यानी लड़का हो गया लड़की हो गई, दो इवेंट तुमको माननी पड़ेंगे। फिर फर्स्ट वो जो है वो उसके फर्स्ट क्लास आने की प्रोबेबिलिटी हमको देगी, सीधे सीधे अच्छी बात है। तो भैया हमने कहा बी वन इज इवेंट सेलेक्ट ए बॉय, बी वन क्या इवेंट है, सेलेक्ट ए बॉय, और बी टू इवेंट है सेलेक्ट ए गर्ल, सॉरी ए गर्ल, ठीक, और ई क्या है, गेटिंग फर्स्ट क्लास, गेटिंग फर्स्ट क्लास,
फर्स्ट क्लास आइटम्स की प्रोबेबिलिटी मतलब बात कर रहे हैं। तो हमको क्या कह रहे भैया, स्टूडेंट आपने सेलेक्ट किया उसकी फर्स्ट क्लास आए, फर्स्ट क्लास आनी चाहिए, तो फर्स्ट क्लास की प्रोबेबिलिटी निकालनी हमको। तो क्या होगा भैया, हम एक लड़का सेलेक्ट करें और वो फर्स्ट क्लास हो, एक लड़का सेलेक्ट हो उसकी फर्स्ट क्लास आ जाए, या फिर एक लड़की सेलेक्ट हो उसकी फर्स्ट क्लास आ जाए, बात खत्म, फर्स्ट क्लास का काम खत्म। तो लड़का सेलेक्ट हो और उसकी फर्स्ट क्लास आ जाए, ई अपन बी वन, और लड़की सेलेक्ट हो और उसकी भी फर्स्ट क्लास आ जाए, काम खत्म। इन्हीं में कोई दो में कोई एक केस बन जाएगा हमारा। अब देखो भैया, लड़का सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी अब बी वन बताओ भैया, टोटल कितने लड़के हैं 40 और टोटल कितने 60, यानी देख ली बदलाव आ रहा है। प्रोबेबिलिटी बी टू, लड़की कितनी है, लड़की है 20 और टोटल है 60। काटना नहीं, काटना बाद में, सबसे लास्ट में काटा करो, आराम मिलेगा। अब क्या करें, लड़की के फर्स्ट कहाँ गया, लड़की के फर्स्ट क्लास होने की प्रोबेबिलिटी देखो, अब आगे पीछे करके दिए इन्होंने, लड़के की फर्स्ट क्लास होने की कोई बात नहीं दी है, और जबकि आप इवेंट पहले बी वन है, तो लड़के की फर्स्ट क्लास हो, फर्स्ट क्लास आने की प्रोबेबिलिटी जबकि वो लड़का है, बी वन लड़का हो उसकी फर्स्ट क्लास आए कितनी 0.27, 27/100, 0.27 पॉइंट हटा दे, 27/100 बाद में कैलकुलेट कर देंगे। और लड़की होने की, लड़की की फर्स्ट क्लास आए कितनी है 0.33/100। ओके सर, तैयारियां ओके, वैल्यू रखनी रखनी रहेगी, 40/60 × 27/100 प्लस 20/60 × 33/100 एलसीएम कितना आएगा 60 × 100, है ना, 27 × 25 = 100 108 108 0 4×28 = 8×10 = 0 33 0 6 6 जोड़ना आता होगा, 0 ही रहा, 6 8 6 14 = 4 हो गया, 6 1 7 हो गया, है ना, मतलब 680 और जोड़ दिए 660 तो 400 ठीक है, 1740 × 6 × 60 × 100 1 60 से 0 कट गया, तो कितना गया 6 6 से काटिए इसको, कटेगा 6 × 12 = 54 6 × 12 और बचा 5 6 × 54 = 9 29/100 इसको लिखेंगे 0.29 से। क्या है कैलकुलेशन है यार, लड़ाई कर रहे हो, मतलब कि जहाँ जो गिरनाएं ये कर रहे हो, अब समझ में आ गया होगा, अब तो बहुत समझ में आ रहा है सर, अब इसमें तो मैं कोई समस्या नहीं है, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते चलिए, कुछ नहीं है, आसान आसान क्वेश्चन में करवा देते हैं, है ना, तो आपको भी समझ में आ जाए, हमको भी तसल्ली हो जाए, देखो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड धीमे कर लिए, और फिर वो भी हमारा काम भी किया कंप्लीट हुआ है, वो उसमें लड़ाई कुछ लोगों ने कुछ दिन पहले चिल्ला रहे थे सर दिसंबर समाप्त हो रहा है और कोर्स की कहीं आ जाए पाता ही नहीं, अभी प्रोबेबिलिटी बाकी है, एलपी बाकी है और 3D बाकी है, और जाने क्या 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 बता दिया हमको, हमने कहा चलो अच्छा भैया दिसंबर आपके लिए सही हो गया है ना, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बच्चा बचा है, थोड़ा क्या बचा है, थोड़े में हमारा बच्चा रहेगा, कंटिन्यूटी बची हुई है, डिफ्रेंसबिलिटी कॉन्टीन्यूटी डिफ्रेंसबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो छोटा सा वो बचा हुआ है ना, और रिलेशन फंक्शन बचा है, इसके बाद यही तो बचेगा धीरे धीरे, तो भी धीरे धीरे करा दिया जाएगा आराम से, फिर उसके बाद प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी आपकी, है ना, क्योंकि लोगों के कोर्स की जो चिंताएं होंगी, कोर्स की चिंता खत्म हो जाए, कोर्स समाप्त हो जाए, तो फिर अपना आराम से घर बैठे, फिर टेंशन भी ना लें वो लोग, है ना, क्योंकि उनसे फीस मांग दो तो फिर कहीं चल फीस मांग देते हो आप लोग, गंदी बात करते हो, चलो फीस नहीं मांग रहे, पढ़ाई करा रहे हैं। करें, ए बॉक्स हैज 5 blue and 4 red balls, ए बॉक्स हैज 5 blue and 4 red balls, ठीक, एक बक्सा है हमारे पास, ये बॉक्स है उसमें 5 red and 4 black balls है, ठीक, लिखें क्या पूरा क्वेश्चन, बोल देते हैं काम चला लो, नहीं लिखो सर, ए बॉक्स हैज 5 red and 4 blue balls, ठीक है, 1 ball is drawn at random and not replaced, वापस नहीं रखा जा, तो इसमें तो मैं कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना, एंड नॉट रिप्लेस्ड, इट्स कलर
also not noted. Note भी नहीं किया, color भी नहीं note किया. बहुत सही. अब जल्दी बाजी उठे हैं. Then other ball is drawn. Other ball is drawn. ये सवाल थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि वो भी एट्रेंडम ड्रॉन एट्रेंडम, वो सब एट्रेंडम तो समझ में आ ही गया, बार बार लिख रही पढ़ा. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल बीइंग ब्लू, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल इज ब्लू, ये क्वेश्चन है, लिखना जरूरी था क्योंकि क्वेश्चन टेढ़ा है. देख लो भाई, सेकंड बॉल इज ब्लू, ठीक. सेकंड बॉल हमारी ब्लू होनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं. तो हो क्या सकता है कि हमने पहली बॉल निकाली हो, वो कॉल लाल निकल आई हो, और फिर दोबारा निकालें तो नीली आ जाए, या फिर पहली वाली ब्लू निकली हो, या और फिर उसके बाद दूसरी वाली भी ब्लू आ जाए. तो यहाँ पे दो इवेंट, बी वन बी टू तो हमारी चलेगी चलेगी, और तीन इवेंट की बात समझा दे रहे हैं. बी वन फर्स्ट बॉल इज रेड, फर्स्ट बॉल इज ब्लू, दोनों फर्स्ट बॉल के लिए मान लिए. पहली वाली बॉल या तो रेड रही होगी, बी टू इवेंट है, पहली वाली बॉल अगर ब्लू रही हो, और ई क्या है, ई इज इवेंट, सेकंड बॉल इज ब्लू, सेकंड बॉल इज ब्लू, ये ऑप्शन बने. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल टू, पहली बॉल रेड हो, पहली बॉल कैसी हो, रेड हो, और उसके बाद दूसरी बॉल ब्लू आए, या फिर पहली वाली ब्लू हो और फिर उसके बाद भी ब्लू बॉल आए, ये मतलब वो वही लिख दिया, क्या दिक्कत वाली कहानी. अब आओ सबकी वैल्यू तैयार कर लेते हैं और दर्द वैल्यू रख लेते हैं, काम खत्म करते हैं. चलो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन बताओ जरा. बी वन पहली बॉल ब्लू हो, पहली वाली ब्लू बॉल कितनी है टोटल बॉल, पहली बॉल रेड है, पहली रेड हो, पहली रेड हो, पहली रेड, रेड कितनी, पांच, टोटल कितनी, नौ. बैग्स पहली बॉल, ठीक. अब आप क्या कर रहे हो कि बैग से बॉल निकाल ली, रेड एक निकल गई और उसको वापस उसमें नहीं रखा, तो अब सेकंड बॉल के ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सेकंड बॉल पहली बॉल रेड निकल गई और उससे अब सेकंड बॉल के ब्लू होने की, तो भैया एक रेड निकल गई तो चार रेड बची, चार चार आठ हो गई, टोटल बॉल आठ हो गई, और ब्लू बॉल कितनी है, अभी चार. फिर पहली बॉल कैसी हो, पहली बॉल हमारी कैसी हो, ब्लू हो, तो टोटल ब्लू बॉल, पहली बॉल की ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, चार बटे नौ. और सेकंड बॉल भी ब्लू हो तो पहली ब्लू निकल गई, एक ब्लू कम हो गई, कितनी बची, तीन ब्लू बची, और टोटल बॉल कितनी बची, आठ. ये तैयारी हो गई, यहाँ वैल्यू ध्यान नहीं रहेगी. पाँच बटे नौ गुणे चार बटे आठ, पाँच बटे नौ गुणे चार बटे आठ प्लस चार बटे नौ गुणे तीन बटे आठ, तीन बटे आठ, नौ, नौ अट्ठे बहत्तर, नौ अट्ठे बहत्तर ऐसे बहत्तर आ जाएगा. पाँचों को बीस और चार में बारह, बारह इस बत्तीस, बत्तीस बटे बहत्तर काट दीजिए, आठ चौक बत्तीस, आठ चौक बत्तीस, आठ में बहत्तर, चार बटे नौ आंसर हो जाएगा, चार बटे अठी नौ बहत्तर, पाँचों को बीस, हाँ सही है, पाँचों को बीस प्लस सेकेंड बॉल इज ब्लू, पहली बॉल फर्स्ट बॉल इज ब्लू, ब्लू निकल गई, हाँ ठीक है ब्लू निकल गई, एंड नॉट तरीका एक मिनट, नॉट रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, पांच बटे नौ चार बटे आठ ठीक है, फिर चार बटे नौ पहली बॉल कैसी हो गई, सेकेंड बॉल इज ब्लू निकल गई ब्लू चार बटे नौ, और फिर दूसरी बॉल को कैसी होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, वो भी ब्लू होनी चाहिए, तीन बटे सही है, ओके ठीक, आंसर आएगा चार बटे नौ, चार बटे नौ, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मिटा दें, सवाल अच्छा था, अच्छे से नोट कर लीजिए कि बार बार कोई दिक्कत ना आए, ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा दिमाग से पढ़ने पड़ते हैं, है ना. और ये भी आगे भी आएगा दोबारा सवाल, तब फिर ना गड़बड़ करना, ठीक. एक और देखते हैं,
एक और देखिए इसे, फटाफट फटाफट लिख लो। लिखने में काम, बस लिखने का तुम काम जो करते तो वही दिक्कत होती है। अब इस बार सिर्फ पढ़ दे रहे हैं। कह रहे हैं ए बैग कंटेन, ए बैग कंटेन की 3 red and 5 black balls। अनदर बैग कंटेन, अब दो बैग की बात हो गई इसके अंदर। अनदर बैग कंटेन 6 red and 4 black, 6 red and 4 black balls, लिख लेना। ए बैग कंटेन 3 red and 5 black balls एंड अनदर बैग कंटेन 6 red and 4 black balls, लिखना चाहे तो लिख लेना अपना। ए बॉल इज ड्रॉन, ए बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकेंड बैग, देन ए बॉल इज ड्रॉन। क्वेश्चन बड़ा अच्छा लिखना पड़ेगा भाई, लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन अलग है। वन बैग कंटेन 3 red and 5 black balls, अनदर बैग कंटेन 6 red and 4 black balls। यहाँ तक लिख दिया है ना, थोड़ा गंदी राइटिंग में लिखा लेकिन लिख दिया क्योंकि जरूरत पड़ रही थी इनको। ए बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकेंड बैग। फर्स्ट बैग से उसको कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, सेकेंड बैग में, फर्स्ट बैग टू सेकेंड बैग। एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग। ठीक है, मतलब एक से निकाल के उसमें एक बॉल डाल दी, फिर उससे बॉल सेकंड वाले इस बैग से बॉल निकाल रहे, अच्छी बात है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। ये क्वेश्चन अच्छा सवाल है भैया, क्या बताया जाए। थोड़ा दिमाग लगा दिया है तो दिमाग लड़ाई लगाएंगी, उनका उनका हक बनता है लगाने का दिमाग, है ना। दिमागदार क्वेश्चन भी तो होने चाहिए 2-4-10। पढ़ लीजिए भैया, कह रहे हैं एक बैग कंटेन, एक बैग में ये है, इससे हमने क्या करा, एक बॉल निकाली उसमें डाल दी। तो देखो क्या करें, इससे एक बॉल निकाले पहले और उसमें डालना है। तो पहले तो B1, हमने एक इवेंट माने B1, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकाले उसमें ट्रांसफर करते हैं, ठीक, रेड बॉल निकाल के उसमें ट्रांसफर करें और उसके बाद फिर इससे एक बॉल निकालें, या फिर इससे एक ब्लैक बॉल उसमें ट्रांसफर कर दें फिर उससे एक बॉल निकाले वो रेड हो, यही तो काम होगा। इसी काम को लिखते हैं अपने हिसाब से, अपने तरीके से, है ना। हाँ तो चलो लिखो, B1 क्या है, B1 इवेंट लेट करो, B1 लेट करो, फिर B2 लेट करो और फिर E लेट करो, बस काम खत्म करो। B1 रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, ऐसे लिख देना। B2 क्या है, ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर फर्स्ट टू सेकेंड, लिख लेंगे। और फिर E क्या है, रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बैग, रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बैग, यही तो आपका सिस्टम है। हाँ सर, सही सिस्टम है। आइए सर, पहले बैग से जब पहले B1 क्या, B1 की प्रोबेबिलिटी बताओ, B1 प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, पहले बैग से निकाल लें क्या रेड बॉल, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 3/8 होगी। B2 ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 5/8 हो जाएगी, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या किया, इस बॉल को इसमें ट्रांसफर कर दिया, रेड बॉल इसमें ट्रांसफर कर दी, अब रेड बॉल इसमें ट्रांसफर होकर आई, रेड बॉल ये वाली आ रही, तो इसमें कितनी हुई, 7 red हो गई, ठीक है। इसमें ट्रांसफर करी B1, रेड बॉल ट्रांसफर कर दी और उससे फिर एक बॉल निकाली E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B1 बताओ। रेड बॉल जब इसमें ट्रांसफर होकर आई तो बॉल कितनी हो गई, 7 red हो गई, 4 black, 7/4 11, 7/4 11, टोटल बॉल 11 हो गई, रेड कितनी, 7। अब आपने अगर ब्लैक बॉल ट्रांसफर करी इस पे, तो इसमें कितनी रेड ब्लैक हो गई, 5 black हो गई,
और टोटल बॉल कितनी हो गई, 11, 11 पर बॉल तो 11 हो जाएंगी, 11 बॉल हो जाएंगी। सेकंड बैग में आपने ब्लैक बॉल ट्रांसफर की, लेकिन निकालनी कौन सी, रेड है, और रेड कितनी इसमें, अभी भी 6 रहेंगी, इसमें तो 6 ही रहेंगी भैया। अब इसकी इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन, लाल बॉल ट्रांसफर करें और दोबारा बॉल निकालें तो भी लाल निकले, या फिर पहले बैग से ब्लैक बॉल ट्रांसफर करें और उससे दूसरे वाले बैग से निकालें वो रेड हो। लिख दिया क्वेश्चन, 3/8 गुणे 7/11 प्लस 5/8 गुणे 6/11 तो 11 88 एलसीएम हो गया, या 8 लिखा भैया समझ में ना आ रहा हो, 88 एलसीएम हो गया 11 से, 7 3 21 और 6 5 36 21 और 30 कितना, 51 51/88 किसी से कटेगा, 51/88 किसी से कटेगा, मैं तो लेना कटेगा, कटे तो काट लेना, ना कटे तो जयराम ठीक कर देना। सवाल कैसा था, बढ़िया था सर, मजेदार था, मजेदार था ना, हाँ मजेदार सवाल था ये। चलो लिखना पड़ जाता बस क्या किया जाए, अभी और जब उसके सवाल आएंगे तो और बड़े बड़े होंगे तो और लिखने में दिक्कत होती है, क्योंकि हमने बीच में फोटो भेजने वाला सिस्टम शुरू किया था लेकिन लोगों को बड़ी आपत्ति हुई कि सर वो हम समझ नहीं पाते कौन सा क्वेश्चन, अरे भाई ढूंढ लिया करो यार, ढूंढ भी नहीं पाए, चलो ठीक भाई कोई बात नहीं, हमारा क्या है हम लिखेंगे, चलो लिखेंगे क्या होता है, आगे बढ़े है ना, अरे भगवान, और ये सवाल एक बहुत बढ़िया, ये बड़ा टेढ़ा कर दिया इन्होंने, और टेढ़ा मारा, थोड़ा लिखना पड़ेगा लेकिन मजा आएगी इसमें भी, एंड अर्न मतलब समझते, एंड अर्न कंटेन 10 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल balls while another bag containing another urn contain 3 white and 5 black balls, बहुत सुंदर, two ball are drawn from first urn and transfer into the second, first urn and put into second bag, second urn, in second urn, मतलब समझ में आया, दो निकाला उसमें डाल दिए second urn, and then then a ball is drawn from the second, समझ में आ गया, तीन बात सुन, find the probability that the ball drawn from second arc is white ball. Find the probability the ball drawn from the second arc is a white ball. बहुत सुंदर, इतना बढ़िया सवाल, एक बॉल निकालते तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो कर सके सवाल, पिछला वाला सवाल एक बॉल भैया कर दो डाल दिया, अब देखो क्या हो सकता है, देखो भैया समझो, हमने पहले हमने पहला रन बना दो, झूला बनाओ झूला बनाओ झूला, 10 व्हाइट 3 ब्लैक, सेकंड रन बनाओ कितनी, 3 व्हाइट 5 ब्लैक, डीवन एक इवेंट डीवन ले रहे हैं, कितनी बार, दो बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं, पुट इनटू द सेकंड बैग, तो टू बॉल्स बी वन टू टू, अब देखो टू कैसी बॉल जा सकती है, टू वाइट बॉल ट्रांसफर इन
transferred from first to second, from first to second direct actually. हमने टू वाइट बॉल, दोनों बॉल कैसे वाइट की ट्रांसफर करते हैं. बी टू क्या इवेंट होगी, टू ब्लैक बॉल आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड. अब एक और कंडीशन बन रही सर, वन वाइट एंड वन ब्लैक बॉल आर ट्रांसफर फ्रॉम, बस ये इस कहानी और समझने की. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई क्या है, ड्रॉन white ball drawn from second arm, ऐसे लिख लेना. बहुत बढ़िया, दो बॉल निकालना है ट्रांसफर फ्रॉम द सेकेंड फर्स्ट टू सेकेंड, दो उठाकर सेकेंड में भेज दी, ठीक है, दो उठाकर सेकेंड में भेज दी, फिर डी वन क्या, टू बॉल आर ट्रांसफर, टू वाइट बॉल फिर टू ब्लैक एंड वन वाइट वन ब्लैक. आओ भैया आओ, तो बताइए जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन, टू बॉल एंड ट्रांसफर, दो बॉल एंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो बी वन प्रोबेबिलिटी कहां लिखे, यहां लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन, दो बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं तो पहली बॉल की एमआई कैसी होनी चाहिए, व्हाइट होनी चाहिए, दूसरी भी व्हाइट होनी चाहिए, तो पहली टोटल बॉल कितनी, तेरह, तेरह बॉल है टोटल, तेरह है व्हाइट फेंक रहे हैं तो दस व्हाइट की समय, एक चली गई उसमें, एक उसमें चली गई, जब एक उसमें चली जाएगी इसके पास एक वाइट और बढ़ गई, एक एक केस समझते चलना. फिर अब इसमें कितनी बची, 12 बॉल बची, तो दूसरी जब बॉल इसमें ट्रांसफर करोगे तो बॉल 12 बचेंगी और वाइट कितनी होगी, 9 बटे 12. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन समझ में आई, और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन बी वन भी निकाल लो तुरंत, क्योंकि हमें बार अब इसमें कितनी बार वाइट हो गई, 5 वाइट हो गई टोटल. अब जब सेकेंड बैग से बॉल निकाले तो कैसे होनी चाहिए वाइट, तो टोटल बॉल कितनी है, 3 एक 4 एक 5 10, टोटल 10 बॉल है, उनमें व्हाइट बॉल कितनी साहब, 1 2 3 4 5 व्हाइट. फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू निकालो जरा, इसको हटा दे रहे काम खत्म, दोनों बॉल ब्लैक भेज रहे हैं तो पहली बॉल ब्लैक हो, टोटल 3/13, एक ब्लैक इधर आ गई, एक यहाँ ब्लैक कम हो गई, एक ब्लैक यहाँ कम हो गई, माइनस कर लो तो कितनी ब्लैक बची, 2 ब्लैक बची भैया, 2 ब्लैक बची तो 2/12 हो गई. अब ये बॉल इसमें आ गई, 2 ब्लैक इसमें आ गई, अब इससे हम बॉल निकाल रहे हैं, वो बॉल कैसे होनी चाहिए, बॉल व्हाइट होनी चाहिए, व्हाइट बॉल अभी साथ इसमें कितनी, 3 है, बॉल कैसे होनी चाहिए, 3 व्हाइट, 3/3 कितनी टोटल हो गई, 5 1 6 1 7 7 3 10 10 बॉल हो गई. फिर क्या कर रहे हैं, एक व्हाइट उसमें भेज दी, B3 के बारे में बात करिए, इससे एक व्हाइट बॉल उसमें भेज दी तो टोटल व्हाइट कितनी थी, 10 10/13, और एक कैसी भेजी, ब्लैक, तो ब्लैक कितनी है, 3, और टोटल एक उससे चली गई तो 12, 3/12. अब एक इसमें बढ़ गई और एक इसमें बढ़ गई, अब इससे जब हम बॉल निकालेंगे वो व्हाइट हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन B3, टोटल बॉल कितनी इसमें, 5 6 7 7 3 10 10 तो टोटल हो गई, और व्हाइट कितनी है, 3 1 4 4/10, सारी वैल्यूज तैयार हो गई. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन B1, ये तो लिखना आ ही गया होगा, बार बार थोड़े लिखेंगे, लिख लेना फॉर्मूला, वैल्यू रख रहे हैं 10/13 × 9/12 × 5/10 प्लस 3/13 × 2/12 और 3/10 प्लस 10/13 × 3/12 × 4/10. एलसीएम तो सेम आ रहा है, लगता है 13 × 12 × 10, ठीक, 9 3 90, 9 5 45, 450, देखो 9 5 45, 2 × 10, 3 × 6 3 × 6 36 18, ठीक है, 4 3 12 12 2 120 120, अब जोड़ो 400 500 550 570 580 588 588/13 × 12 × 10, काट दीजिए, किससे कटेगा, अरे कितने काटे, 4 से काटते देखें, 4 × 4 काटो, 4 से 4 × 12 3 बार कटेंगे, 4 × 1 4 बचा कितना, 1 4 × 16 बचा 2, 4 7 28 147 और 13 × 39 तो कितना आंसर आ जाएगा, 147/13 × 39/390. अब देखो किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है,
तीन चौको 12 और 3 9 27, 3 × 3 = 3, 3 × 9। अब किस चीज कट रहा है? अब नहीं कट रहा है लगता है। आंसर आ रहा है कितना? आंसर कितना आ रहा है फिर से एक बार देख लेते हैं। 3 × 12 या जोड़ा जाके सही करा है। किससे काटा हमने? किससे काटा? 4 से 4 × 4 और बचा 1, 4 × 16। जोड़ने में कुछ तक मिस्टेक हो रही क्या? क्योंकि इनका आंसर कुछ और आ रहा है, हमारा आंसर कुछ और आ रहा है, कुछ अंतर है, 10 का अंतर आ रहा है। तीन 13 10/13 3/3। अच्छा एक मिस्टेक यहाँ हो गई, ये एक क्रम गड़बड़ाया यहाँ पे, ये उल्टा भी तो हो सकता है, एक मिस्टेक हुई, मिस्टेक ही गड़बड़ कर रही, क्योंकि ये क्या अनफिक्स प्रॉब्लम है। पहली तुमने वाइट निकाली, दूसरी रेड निकाली, अब पहली रेड हो सकती है दूसरी, तो यहाँ पे 2 factorial 1 नहीं लगा थी, 2 factorial की वैल्यू लगी गई तो और आ जाएगा। लिख दें पूरा 2 factorial 1 1 factorial 1 factorial। तो इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप B3 वाले, तो यहाँ पे एक चीज़ बढ़ जाएगी, 2 factorial की वैल्यू और बढ़ जाएगी, तो 2 factorial मतलब 2 का गुणा और हो जाएगा, जब 2 का गुणा कर देंगे तो 240 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 120 आ रहा है, 2 का गुणा हो तो 240, 240 करें तो ये कितना हो जाएगा? 688, 600 ही होगा। तो 4 × 4 = 2, 4 × 16 बचा 2, 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28 और 4 × 2 = 8। देख लो चेक कर लो, ये वो गड़बड़ा गया ना, ये मतलब अनफिक्स में नहीं कन्वर्ट किया, उसमें उसकी वजह से वो दिक्कत आ गई। अब ये आ गया, अभी कितना हो गया? 72 400 72/3/15, ठीक है, बचा कितना? 1/10 तो सही है, ये भी मेरा सही है। यहाँ पे 9 × 45 9 × 5 9 × 45 450 13 × 12 × 10 और यहाँ कितना है? 3 × 6 = 18 18/3 यानी कितना होगा? 10 × 3 = 30 10 × 4 = 12 10 × 3 = 30 3 × 12 = 120 120 240 240। अब जोड़ लेना फिर से, 450 240 0 9 6। देखो लिखेगा लगता, मुझे लगता कुछ वहाँ 240 ही हो गया, प्लस 18 8 0 708 हो गया, 708 708/13/12/10। अब काटे जरा, अब काटो उसको 4 से 4 × 4, ठीक, बचा कितना? 2 4 × 5 = 20 5 बार चला गया और 4 × 8 / 13 × 3 = 90 है ना, 13 × 3 = 390। किससे काटा जाए? 3 से कटेगा यार, कहाँ मिस्टेक कर रहा है वैल्यू? 3/10 मैंने रखने वैल्यू गलत कर दी क्या? 3 × 6 और 3 × 18 10 3 × 3 3/13 2 factorial 2 ही आएंगे तो 2 factorial 2 का गुणा करेंगे और 4/10 सब कुछ सही लिखा है। 3 से काटने पर यहाँ पे कुछ गलत हो रहा बेटा, जोड़ने उन्होंने गलत दी है, 9 × 45 = 450 12 × 240 690 3 × 12 = 24 यही होता है मिस्टेक, ढूंढने नहीं मिलेगा आंसर, मिसमैच कर रहा है उसकी जैसे, ढूंढने करे रहो। क्या यार मूड खराब कर देता है कुछ चीजें हैं,
काटते हैं इनको, काट के जैसे उन्होंने वैल्यू लिखा एक एक करके काट के, कितनी बार इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 बार 9×45 कितने, किससे काट रहे हैं, पहले इसको 3×9 3×12 और 4×5 20 5×15 15/26 13×26 15/26 ठीक है। अब ऐसे निकालने पड़े, कैलकुलेशन करके देखते हैं इस पे वाले समझ में आया कि 1/2 हो गए यहाँ हटा रहे हैं, यही सब यहाँ पे यही मिस्टेक है, यही देख रहे हैं क्या गड़बड़ हुई, तो कितना होगा 15/26 × 1/2 देखो कहाँ भी अभी पता चलता है क्या गड़बड़, यहाँ पे किस कट रहा है 6 बार कट गया, तो 3/2 कितना हो गया, 3×6 2/12 तो 2/12 और 3 × 3 = 6 3 × 6 1/26 1/26 × 3/10 ये भी सही है 3×10 सही है। फिर यहाँ पे आइए इसका कैलकुलेशन करो, 3×12 4 बार कट गया, 2 फैक्टर से इसको काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे 2 बार ही कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 5 × 5 = 13 हो जाएगा 5/13 और गुणे 2/5 देखो 5/13 2/5 यहाँ तक सही है। चलिए अब इसको कैलकुलेट करके देखा जाए, इसको कैलकुलेट करिए, एलसीएम लीजिए इसको, इसको कैलकुलेट करिए, पूरा कैलकुलेशन करके निकालिए है ना, तो 26 × 52 और 260 इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, लंबा है ना, करो यार एलसीएम इसका 59/5 उन्होंने जो लिखा हम लिख दे रहे हैं और आप अपना चेक करो, इतना टाइम बर्बाद करेंगे तो फिर तो हो गया है ना, बताओ बेमतलब का झंझट, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इन्होंने इनके हिसाब से जो आंसर लिखा है वो ये लिखा है, हमने करके देखा था तो कुछ और आ रहा था, किताब के हिसाब से ये लिखा है 130 ये आंसर आना चाहिए, अब कैलकुलेशन कर लिया है ना, एलसीएम सीधे सीधे 130 मार दे रहे हैं, 130 तो 26×52 26×52 130 नहीं आएगा 260 करके देखो, 26×52 तो 26×52 52×5 25 नहीं 75 ये 75 हो गया भाई, देखो 52 हो जाए 52 का भाग इसमें देंगे तो ये 5 बार चला जाएगा और 210 पूरा पूरा चला जाएगा, नहीं प्लस का 3 रहेगा और इसमें 13×5 65 65 तो 13×5 65 4 बार चला जाएगा तो 75 करके देखो यार भाई, एलसीएम छोड़ो मतलब का काम है ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए डू योरसेल्फ, बेमतलब का काम, ओके धन्यवाद।